हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स दिए, रीड करके बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर दैट इज स्नैप ड्रैगन और एंटीरैनम स्पीशीज इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये जो है सही दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें इस कैरेक्टर के लिए, जो फ्लावर कलर का कैरेक्टर है, इसके लिए जो जीन है उसमें अगर हम देखें हेटरोजाइगस कंडीशन में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कैपिटल आर होगा तो यहाँ पे प्लांट जो है उसमें रेड कलर वाले फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं. जब स्मॉल आर होगा तो यहाँ पे वाइट कलर वाले फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन जब हेटरोजाइगस कंडीशन होगा तो नॉर्मली हमें पता है कि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ रेड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है यहाँ पे इस कैरेक्टर के लिए इस प्लांट में, अगर हम देखें तो हेटरोजाइगस कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है. तो डोमिनेंट वाला जो एलील है ये फुली एक्सप्रेस नहीं करेगा, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन अगर हम देखें इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे पिंक कलर प्रोड्यूस होता है. तो ये अगर हम देखें गुड एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, यहाँ पे जो है डोमिनेंट वाला एलील जो है कम्प्लीटली एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है. तो ये वाला क्या है, सही है. स्टेटमेंट टू, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आर आइडेंटिकल इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें F2 जनरेशन में अगर हम देखें, F2 जनरेशन जो होता है वहाँ पे ये जो फिनोटिपिक रेशियो ये अगर हम देखें कितना आता है, 3:1 आता है. एंड जो जीनोटिपिक रेशियो ये कितना आता है, 1:2:1 आता है. ये आइडेंटिकल तो नहीं है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम देखें वहाँ पे F2 जनरेशन में दोनों जो होंगे फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो आइडेंटिकल होता है, दैट इज 1:2:1. ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, गलत है. यहाँ पे दोनों तो करेक्ट नहीं है, ये वाला तो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, सही दिया है. स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, गलत है. क्या स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है. एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट, ये तो गलत है, दोनों तो इनकरेक्ट नहीं है. यहाँ पे ये वाला तो करेक्ट है. करेक्ट आंसर टू द सेकंड वन वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.